ये मेरे पास है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन एंड 4 वुमेन इन ए रो सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस. हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? ये हमसे कह रहे जी, बताइए बेटे क्या करें इसमें जरा. इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन एंड 4 वुमेन इन ए रो सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस. How many such arrangements are possible? चलो आपके पास क्या है, 5 men है 4 women, तो आपके पास total 9 seats हो गई. 1, बीच में missing 2, फिर 3, फिर missing 4, फिर 5, 6, फिर 7, फिर missing 8, फिर 9. मतलब मैं अगर आपसे कहूँ ये हमारे पास बीच में मिसिंग है, ये हमारे पास मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, तो आपके पास क्या है, ये 1 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, और ये आपके पास इवन प्लेसेस हैं 2, 4, 6, 8. क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 4 वोमेन इन ए रो सो दैट वोमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस. आपके पास वोमेन है कितनी? 4. और इवन प्लेसेस कितने हैं? 4. 4, दैट्स इट. तो ये बस, तो अगर हमारे पास वोमेन के लिए 4 प्लेसेस हैं और 4 ही वोमेन हैं, तो अरेंजमेंट क्या होगा मुझे बताइए पहले. तो बात तो यहाँ के, वैसे तो यहाँ लिख भी दिया उसने, हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर. तो हमारे पास इन 4 वोमेन का क्या अरेंजमेंट होगा? 4p4. Yes, very good. Arrangement of 4 women on 4 even places. That is 4p4. यहाँ पे अरेंजमेंट है क्योंकि अगर पहली वुमेन सेकेंड पोजिशन पे है, दूसरी फोर्थ पे है, फिर उनको इंटरचेंज करें तो वो अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है. तो यहाँ सी नहीं आ रहा, पी आ रहा है. अच्छा, हमारे पास मैन कितने हैं? 5. तो अब आप क्या करोगे, अरेंजमेंट ऑफ 5 मैन, ठीक है, ऑन 5 प्लेसेस. तो क्या हो जाएगा, 5p5. दैट्स इट. तो हमारे पास क्या होगा भाई, तो टोटल अरेंजमेंट्स 4p4 इंटू 5p5. ये हमारा आंसर. क्लियर है? यस सर. गुड.